एंड वेलकम टू थ्री डॉटर टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट रुचि शर्मा। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब थ्री स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंड पिक डील्स। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब थ्री स्पेस की पहली डील की तरफ। ओमनी नेटवर्क ने अपनी और ईगल लेयर की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल ईथर.5 से $600 मिलियन जुटा लिए हैं। $600 मिलियन का उपयोग ओमनी टेस्टनेट और मिनट दोनों को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा। ईथर.5 करंटली दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है, जिसकी टोटल वैल्यू लॉक्ड $1.88 बिलियन है। $600 मिलियन मूल्य के ईथर का ईगल लेयर पर रीस्टेक किया जाएगा, जो TVL में ओवर $10.3 बिलियन के साथ सबसे बड़ा इथेरियम रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंडरसन हॉरोविट्स द्वारा ईगल लेयर के लिए $100 मिलियन के फंडिंग राउंड और मार्च में ब्लॉकचेन कैपिटल के नेतृत्व में $50 मिलियन के फंडिंग राउंड की घोषणा के 2 सप्ताह के बाद आई है। $600 मिलियन का सौदा ओमनी नेटवर्क को बढ़ते रीस्टेकिंग इकोसिस्टम में सबसे आगे रखता है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। कॉस्मोस ब्लॉकचेन पर बिल्ड AI फोकस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट Fetch.ai ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम Fetch Compute में $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य Fetch.ai इकोसिस्टम के भीतर डेवलपर्स और यूजर्स को एनहांस टूल्स, कंप्यूटिंग पावर और ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज प्रदान करके सशक्त बनाना है। Fetch Compute NVIDIA H200, H100 और AI00 मॉडल सहित पावरफुल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स GPU तक पहुंच प्रदान करेगा। इस प्लेटफॉर्म को Fetch.ai इकोसिस्टम फंड द्वारा फाइनेंस किया जाएगा और ये डेवलपर्स और यूजर्स दोनों के लिए उपलब्ध होगा, जो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनल प्रोसेसिंग पावर चाहते हैं। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। ओपन सोर्स क्रिप्टोग्राफी फर्म ज़मन ने फुली होमोग्राफिक इंक्रिप्शन पर आधारित एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए सीरीज ए फंडिंग राउंड में $73 मिलियन जुटाए हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को डिक्रिप्ट किए बिना प्रोसेस करने में सक्षम बनाती है, जो ब्लॉकचेन और AI में प्राइवेसी की रक्षा के लिए संभावित रूप से उपयोगी है। ज़मन ने घोषणा की है कि फंडिंग राउंड का नेतृत्व मल्टी कॉइन कैपिटल और प्रोटोकॉल लैब्स ने किया था, जिसमें सोलाना के को फाउंडर एनाटोली याकोवेंको, फाइलकॉइन के फाउंडर जुआन बेनेट के साथ इथेरियम और पोलकाडॉट के को फाउंडर गेविन वुड ने हिस्सा लिया था। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। AI फोकस्ड ब्लॉकचेन स्टार्टअप 10 रिसर्च ने HackVC, सोलाना लैब्स और क्रिप्टो एक्सचेंज OKX से सीरीज ए फंडिंग राउंड में $30 मिलियन जुटा लिए हैं। 10 रिसर्च के प्राइमरी प्रोडक्ट्स का नाम io.net है, जो एक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क है जो अनयूज्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्षमता वाले यूजर्स को रिसोर्स इंटेंसिव AI कंपनियों को कंप्यूटिंग पावर प्रदान करने की अनुमति देता है। फंडिंग की घोषणा AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टर इंटरेस्ट के साथ साथ क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिन्यूड इंटरेस्ट का संकेत देती है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ऑथराइज्ड क्रिप्टो पेमेंट्स फर्म बैंक्स ने टीजोस, कायरॉन और ब्रिटिश बिजनेस बैंक के नेतृत्व में सीरीज ए फंडिंग राउंड में $20 मिलियन जुटाए हैं। ये फंडिंग इस साल USA में सर्विस शुरू करने के लिए डेडिकेट की जा रही है। ब्रैंक्स की टोटल फंडिंग अब $10 मिलियन से अधिक है। ब्रैंक्स का टोकन BXX पिछले 24 घंटों में लगभग 8% बढ़ा है। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब थ्री स्पेस में तहलका मचाने वाली कुछ एक्साइटिंग डील्स के साथ। तब तक आप थ्री डॉटर टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।